हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन है, सॉल्व ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मैक्सिमम जेड इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू और सब्जेक्ट टू टू एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, एक्स वन प्लस सेवन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन, और जहाँ पर एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिए हुए हैं हमारे पास। अब फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ड्यूअलिटी चेंज करनी होगी इसकी, क्योंकि हमें ड्यूअल सॉल्व ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की ड्यूअल हमें सॉल्व करनी है। तो इसके लिए ड्यूअलिटी चेंज करने के लिए हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म देखना होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होती है, वो होती है हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी टी एक्स और सब्जेक्ट टू जो कंडीशन होती है वो ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड मिनिमम जेड में हो। अगर मिनिमम जेड हो तो उस कंडीशन में अपने पास जो कंडीशन होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी की फॉर्म में होती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं ये मैक्सिमम वाली फॉर्म टर्म में अपने मैक्सिमम जेड दिया हुआ है एक्स वन प्लस एक्स टू, और जो कंडीशन दी हुई है वो ग्रेटर देन इक्वल वाली दी हुई है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वो लेस देन इक्वल वाली चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस रो में, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में हमें माइनस वन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है अपने पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू रहेगा ये, तो और सब्जेक्ट टू जो कंडीशन होंगी और माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स टू, माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन इक्वल टू माइनस फोर, इसी तरह माइनस एक्स वन माइनस सेवन एक्स टू लेस देन इक्वल टू माइनस सेवन, एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की उसकी ड्यूअलिटी क्या होती है, अगर ये कंडीशन हो हमारे पास, इसकी ड्यूअलिटी जो होगी, इसकी जो ड्यूअलिटी होगी वो होगी हमारे पास मिनिमम जेड डी बराबर बी ट्रांसपोज ओमेगा और सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज, ये होता है फ्रेंड्स। अब हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास मिनिमम जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, बी क्या है हमारे पास माइनस फोर एंड माइनस सेवन, ये कॉलम वाइज है, इसको हमें रो वाइज लिखना है, तो माइनस फोर एंड माइनस सेवन ये रो वाइज आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा, और ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा ओमेगा वन एंड ओमेगा टू, ये इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस फोर माइनस सेवन एंड यह हो जाएगा ओमेगा वन ओमेगा टू, तो ये माइनस मल्टीप्लाई करने पर माइनस फोर ओमेगा वन माइनस सेवन ओमेगा टू, तो ये हो जाएगा माइनस फोर ओमेगा वन माइनस सेवन ओमेगा टू, और जो कंडीशन होंगी वो हमारे पास होंगी ए ट्रांसपोज, ये क्या है हमारे पास, इसमें जो ए है वो ए बराबर है अपने पास इसमें माइनस टू माइनस वन माइनस वन माइनस सेवन, ये फिर ए है हमारे पास, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ट्रांसपोज हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास माइनस टू माइनस वन माइनस वन माइनस सेवन, ए ट्रांसपोज ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है तो ओमेगा वन ओमेगा टू, अभी मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, माइनस टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, और साथ में क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज। अब फिर सी क्या है हमारे पास, यहाँ पे सी जो है वो है हमारे पास वन वन, दोनों का हमें कोफिशिएंट होंगे तो वो वन वन होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इसी तरह माइनस ओमेगा वन माइनस सेवन, यहाँ से माइनस ओमेगा वन माइनस सेवन ओमेगा टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जहाँ पे ओमेगा वन ओमेगा टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब फिर से आ गया हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जो ये बनता है इससे, ये ट्रांसपोज या ये इस प्रॉब्लम के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो ये है हमारे पास, लेकिन इसमें कहीं भी हमारे पास बेसिस नहीं है, बेसिस मैट्रिक्स हमारे पास कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो उसको बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें सरप्लस वेरिएबल जोड़ना होगा जिससे कि ये इक्वेशन जो है इनइक्वलिटीज हैं इक्वेशन में चेंज हो जाएँ, और उसके बाद हमें इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ना होगा जिससे कि वो हमारे पास इक्वेशन में चेंज हो जाए, तो ये कर देंगे उसको माइनस टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू माइनस ओमेगा थ्री, ओमेगा थ्री फ्रेंड्स सरप्लस वेरिएबल है, और प्लस ओमेगा फाइव
जोड़ देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा इक्वल टू वन, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा वन माइनस सेवन ओमेगा टू, और जीरो ओमेगा थ्री के साथ जीरो हो जाएगा, इसी तरह ओमेगा फाइव के साथ भी जीरो हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे जो होगा वो ओमेगा फोर कर दिया प्लस ओमेगा सिक्स इक्वल टू वन, ये हो गया फ्रेंड्स। और जो हमारे पास मिनिमम जेड डी था, वो हमारे पास मिनिमम जेड डी था, इसको हमें मैक्सिमम में चेंज करना होगा, क्योंकि मिनिमम है तो इसे मैक्सिमम चेंज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम जेड डी इक्वल टू फोर ओमेगा वन प्लस सेवन ओमेगा टू, और फिर हमें फिर इसमें ये आर्टिफिशियल वेरिएबल ओमेगा फाइव और ओमेगा सिक्स ये जोड़े हैं, तो इसका मतलब हमें जो आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ दिया है, तो इसका मतलब है हमारे पास उसमें हमें एम मेथड लगाना है, बिग एम मेथड लगाना है। तो बिग एम मेथड लगेगा, तो ओमेगा फाइव के करस्पॉन्डिंग माइनस एम ओमेगा फाइव माइनस एम ओमेगा सिक्स, ये हो गया। फिर से हमारे पास प्रॉब्लम आ चुकी है जहाँ ओमेगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई बराबर वन टू सिक्स, ये है हमारे पास। अब फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। सिंप्लेक्स टेबल में क्या होता है फ्रेंड्स, सी बी होता है, बी ओमेगा बी बी एंड सी जे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री ओमेगा फोर ओमेगा फाइव ओमेगा सिक्स, यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट वैल्यू होंगी वो लिखनी होंगी हमें यहाँ पे, यहाँ से फोर सेवन फोर सेवन ओमेगा थ्री एंड ओमेगा फोर के जीरो हैं, तो जीरो जीरो यहाँ पे माइनस एम माइनस एम, फ्रेंड्स बेसिस क्या है हमारे पास यहाँ पे, ओमेगा फाइव एंड ओमेगा सिक्स मिलके बेसिस बना रहे, तो ये हो जाएगा ओमेगा फाइव ओमेगा सिक्स, इनके अकॉर्डिंग वन वन, यहाँ हो जाएगा अल्फा फाइव अल्फा सिक्स, जो कॉस्ट वैल्यू है इनकी माइनस, ये है अपने पास माइनस एम माइनस एम। एंड फ्रेंड्स ये जो है अपने पास यहाँ पे ओमेगा वन, इसके अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगा वो उसके अकॉर्डिंग है, ये अपने पास माइनस टू माइनस वन माइनस वन माइनस सेवन माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन वन जीरो जीरो वन। अब फ्रेंड्स ये हमारे टेबल आ चुकी है, अब निकालते हैं इसमें जेड जे माइनस सी जे। फ्रेंड्स जेड जे माइनस सी जे क्या होता है, जेड जे माइनस सी जे बराबर होता है सी बी एक्स बी माइनस सी जे, मतलब माइनस एम इंटू माइनस टू, इसका मल्टीप्लाई करो माइनस फोर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये थ्री एम, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया तो माइनस एम इंटू एम, ये दोनों थ्री एम हो गए, थ्री एम प्लस फोर, इसी तरह यहाँ पे क्या, तो ये हो गया एट एम माइनस सेवन, ये हो गया एम एम जीरो जीरो, ये हो गए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं एम जो क्या होता है, एम होता है हमारे पास बहुत ही बड़ा एक नंबर होता है, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, लेकिन इसके कहते हैं कि ये एम होता है, एक बहुत ही बड़ी संख्या है। अब ये संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो हर संख्या के लिए एम बहुत, एम एक ग्रेट बहुत, एम इज़ वेरी लार्ज नंबर, देन ये जो नंबर हैं एट एम माइनस सेवन, ये सभी ग्रेटर देन जीरो होंगे, सो हम कह सकते हैं जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फोर ऑल जे। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास जो ये टेबल, सो टेबल इज ऑप्टिमल, फ्रेंड्स टेबल हमारे पास ऑप्टिमल आ चुकी है, लेकिन हम ये क्या देखते हैं, जो ओमेगा फाइव एंड ओमेगा सिक्स की वैल्यू हमारे पास वन एंड वन आ रही है, लेकिन ओमेगा फाइव एंड ओमेगा सिक्स हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल, ओमेगा फाइव एंड ओमेगा सिक्स इक्वल टू वन वन, बट दीज आर आर्टिफिशियल वेरिएबल। फ्रेंड्स ये सभी आर्टिफिशियल हैं, तो सो सॉल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिफिशियल वैल्यू जो हमारे पास हमने माने हैं ओमेगा फाइव और ओमेगा सिक्स आर्टिफिशियल, तो उनकी हमारे पास वैल्यू आ रही है, लेकिन हमारे पास हमारा इसमें लक्ष्य होता है कि ये हमारे पास ये दोनों जीरो, ये हमारे पास से निकल जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल है, लेकिन इनकी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। थैंक यू फ्रेंड्स।